इस वक्त की आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के पूर्व पुत्र वधु ने थामा बीजेपी का दामन। आपको बता दें कि फरुखाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए घमासान मचा हुआ है, जहां पर धर्मेंद्र यादव की पूर्व पत्नी मोनिका यादव ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री की बेटी को आपको बता दें कि उन्होंने समर्थन दिया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको खुद सुनिए। उनके बिहाफ पे वो आपको जवाब देंगे, आप उनसे पूछिए ना भैया, आप आगे भी भाजपा का साथ देंगे। देखिए अभी हम जिस जगह बैठे हैं, आज निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मुझे जो है पार्टी से समर्थन मिला है, ठीक है, उसमें मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समर्थन लेके चुनाव लड़ूंगी। भाजपा ने आपको साथ दिया है, प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से दे दिया है। आगे भी आप जिस तरीके से भाजपा ने आपको साथ दिया और पार्टी से भी समर्थन मांग रहे हैं, अपना दल का भी प्रत्याशी है, दूसरी पार्टी के भी है, आपका भी जीता है जिला पंचायत और दूसरी पार्टियों से भी समर्थन मांग रहे हैं। मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगा, जिसको पार्टी ने स्वीकार किया करके मुझे समर्थन दिया है और इसके लिए मैं पार्टी के टॉप लीडरशिप, जिला संगठन और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी, हमारे जनपद के चारों विधायक जी, सबके धन्यवाद देती हूँ। आपने अपने पिता की पहचान तक तो छुपाई है, और किसी की बेटी अगर किसी के पिता अगर पूर्व मंत्री होता तो गर्व से कहता मेरे पिता पूर्व मंत्री है, आपने पहचान छुपाई है। आप प्लीज एक बार एक ही करके सवाल पूछिए, सबको मत करिए। मैं ये मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है, जो मेंबर्स मेरे साथ है वो ये चाहते हैं और इसमें आप जो प्लीज पिताजी का भाई का बात मत करिए, क्योंकि ये नहीं नहीं कैसे हो सकता है। देखिए आप जो अभी कह रहे हैं ना कि उनका क्या, वो चीज मैं बता रही हूँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समर्थन मांगा, पार्टी ने मुझे समर्थन दिया, जिसको मैं जो है धन्यवाद देती हूँ और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से समर्थन जो प्रभारी बनाया गया हमने कोट विधानसभा क्षेत्र का, उसे वो स्वीकार कर दिया गया सचिन यादव ने जी। वो उनसे पूछो, ये सचिन यादव नहीं, जय